नमस्कार मित्रों, यूपी फैमिलीज इन म्यूनिक की तरफ से मैं सुशील पांडे आपको विश्व हिंदी दिवस पर ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जनजन की भाषा है और 480 मिलियन लोग लगभग इस भाषा का उपयोग दुनिया भर में जहां भी रह रहे हैं करते हैं। तो आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको अपनी ही लिखी हुई एक कविता सुनाऊंगा और कविता का शीर्षक है वंदे मातरम। और उस कविता के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि सजीव चीज तो वंदे मातरम बोल ही सकती है, निर्जीव चीजें भी अपने धरती को कितना प्यार करती है और वंदे मातरम बोल सकती है। तो मैं चलिए कविता की शुरुआत करता हूं। कविता कुछ इस प्रकार है, ऐसी धरा जहां पर बालक भी सिंह शशक से खेला करते हैं, ऐसी धरा जहां पर अभिमन्यु भी रिपु का नाश अकेला करते हैं, जहां गर्व मां को लाल भले ही कर दे जीवन अर्पण, फिर भी हर शहीद श्वास से निकलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। असह्य वेदना से हृदय फटे तो फट जाए, रणभूमि बीच मस्तक कटता है तो कट जाए, इच्छा वीर हृदय की बार बार इसी धरती पर हो जन्म, कटा हुआ मस्तक भी बोलेगा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जहां की हर बाला झांसी की रानी, हर बालक राम है, जहां दिनकर की किरणें पूजी जाती, अजान से गूंजती शाम है, जहां मंदिर मस्जिद गिरजाधर गुरुद्वारा का एक ही संगम, जाति धर्म बैर भाव त्याग बोले वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माना हृदय सहनशील मीठी बोली से भरता है, फिर भी कुटिल काल यहां खेलने से डरता है, हर हर महादेव सूत्र वाक्य नारा है वसुधैव कुटुंबकम, जहां मिट्टी का कण कण भी बोले वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इतिहास साक्षी है काला पानी का, आभारी है उन वीरों की जवानी का, छाती पर गोली खाई फिर भी तिरंगे की शान होने न दी कम, प्राण पखेरु थे फिर भी रिसते रक्त का हर कतरा बोला वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। याद करो जलियावाला बाग कितनों के उजड़े थे सुहाग, अश्रुधार गिर रहे थे फिर भी न था गम, टूटी बिखरी चूड़ियों का हर टुकड़ा बोला वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार है, कारगिल की दुर्गम ऊंचाई पर दुश्मन का पहरा था, उस ऊंचाई पर भी विजयी विश्व तिरंगा फहरा था, लड़ते लड़ते श्वास गई थी थम, मरते फिर भी हर जवान बोला वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप सभी को एक बार फिर विश्व हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।